और तब चूहा नहीं बच पाएगा। एक दिन एक आदमी ने मुल्ला नसरुद्दीन का मजाक उड़ाने का तरीका सोचा। वह उसके पास गया और कहा, मेरे साथ पिछली रात एक अजीब घटना हुई। मुल्ला ने पूछा, क्या हुआ? आदमी ने कहा, पिछली रात मैं गहरी नींद में सो रहा था। सोते सोते मैंने उबासी ली और इतनी बड़ी उबासी कि मेरा मुंह इतना बड़ा खुल गया कि एक चूहा मेरे मुंह में चला गया। मैं हैरानी से उठा। उस समय तक चूहा मेरे पेट में जा चुका था। ये मेरे पेट में कूद रहा है। अब मैं बहुत कष्ट में हूँ। मैं चूहे को अपने पेट में से बाहर निकालना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे इसका रास्ता नहीं बता रहा। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कृपया मुझे चूहे को पेट में से बाहर निकालने का तरीका बता दो। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम सूर्य की रोशनी में हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हो। मुल्ला ने उत्तर दिया, क्या ऐसा है? इस समस्या का समाधान तो बहुत आसान है। जब तुम गहरी नींद में सो रहे थे, तुमने उबासी ली और एक चूहा तुम्हारे पेट में चला गया। इसलिए अब जब तुम जाग गए हो, दोबारा से उबासी लो और एक छोटी बिल्ली को अपने पेट में जाने दो, और तब चूहा नहीं बच पाएगा। और हाँ, बिल्ली के लिए एक गिलास दूध जरूर पीना। कोई दूसरी समस्या? आवाज करते हुए कोट का गिरना। एक दिन मुल्ला की पत्नी कपड़े धो रही थी। वह एक भारी डंडे के साथ कपड़ों को पीट रही थी। अचानक उसे एक ऊंची आवाज सुनाई दी। यह कमरे में से आई थी। उसकी पत्नी डर गई। उसने अपना काम रोका और चिल्लाई, क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? क्या गिर गया? मुल्ला कमरे में था। वह चिल्लाया, ओह, घबराने की कोई बात नहीं, ये मेरा कोट था, ये सीढ़ियों से गिर गया था। उसकी पत्नी हैरान हो गई। उसने उससे पूछा, कोट सीढ़ियों से गिर गया? और इतनी आवाज, ये कैसे हो सकता है? मुल्ला ने कहा, ये हो सकता है, कोट इसलिए सीढ़ियों से आवाज करते हुए गिरा क्योंकि मुल्ला उसके अंदर था। ये सुनकर मुल्ला की पत्नी ऊंची ऊंची हंसने लगी। क्या जेब को प्यास नहीं लगती? एक बार मुल्ला एक अमीर आदमी के यहाँ शादी पर गया। प्रीति भोज शुरू होने में अभी समय था। सारे मेहमानों को मिठाइयाँ, कुछ मेवे और नमकीन पेश किया जा रहा था। वे समूहों में बैठे आनंद ले रहे थे। वे हल्के फुल्के खाने के साथ बातें कर रहे थे और मजे ले रहे थे। मुल्ला ने सोचा, अगर मैं अभी भारी खाना खा लूंगा तब मैं प्रीति भोज का मजा नहीं ले पाऊंगा। इसलिए मुल्ला ने केवल कुछ मेवे ही लिए। जैसे ही उसने एक बादाम को मुंह में डाला, उसने एक मेहमान को एक प्लेट में बहुत से मेवे लेकर बैठे देखा। मेहमान ये देखने के लिए कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, चारों ओर देख रहा था। उसने एक मेवों की मुट्ठी भरी और अपनी जेब में डाल ली। मुल्ला हैरान था। दोबारा से उस मेहमान ने वही किया। मुल्ला उठा और अपने हाथ में पानी का एक जग लेकर उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने उसकी जेब खींची और उसमें पानी डालना शुरू किया। मेहमान को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाया, ये क्या मूर्खता है? क्या तुम पागल हो गए हो? देखो तुमने क्या किया है, यह मेरा नया कोट है, ये पूरा गीला हो गया है।
सारे मेहमान उनकी तरफ देखने लगे। मुरला ने कहा, तुम्हारी जेब भूखी थी इसलिए इसने इतने मेवे खाए, अब इसे प्यास भी लगी होगी, इसीलिए मैंने तुम्हारी जेब को पीने के लिए पानी दिया था। सारे मेहमान हैरान थे। मित्र का परिचय। एक सुबह मुल्ला नसरुद्दीन ने बाहर जाने के लिए नए कपड़े पहने। जैसे ही वह जाने लगा, उसका मित्र जलालुद्दीन आ गया। मुल्ला की तरफ देखते हुए उसने कहा, ये नए कपड़े तो देखो, तुम कहाँ जा रहे हो? मुल्ला ने उत्तर दिया, मुझे अपने मित्रों को उनकी शादी की बधाई देने जाना है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? जलालुद्दीन ने कहा, मेरे कपड़े तो देखो, ये कितने पुराने और गंदे हैं, मैं इन कपड़ों के साथ कैसे जा सकता हूँ? मुल्ला ने उसे अपना एक नया कोट दिया। जलालुद्दीन ने खुश होकर उसे पहना और कहा, ये ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। दोनों सड़क पर चल रहे थे और जल्दी ही एक मित्र के घर पहुंच गए। उसे दुआ सलाम करने के बाद मुल्ला ने उसे उसकी शादी की बधाई। उसने अपने मित्र का परिचय कराते हुए कहा, ये जलालुद्दीन है, मेरा पक्का मित्र, जो कोट इसने पहना है वह मेरा है। जलालुद्दीन ये सुनकर परेशान हो गया। उसने उससे पूछा, उसे क्या हो गया है? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये अच्छा नहीं, तुम्हारा मित्र क्या सोचेगा? मुल्ला ने कहा, ठीक है, मैं अब ऐसा नहीं कहूंगा। अब दोनों दूसरे मित्र के घर पहुंचे और दुआ सलाम के बाद मुल्ला ने उसे उसकी शादी की मुबारकबाद दी। उसने अपने मित्र का परिचय करवाते हुए कहा, ये जलालुद्दीन है, मेरा पक्का मित्र, ये जो कोट इसने पहना है वह मेरा नहीं है। जलालुद्दीन को गुस्सा आ गया। उसने मुल्ला से कहा, तुम समझते क्यों नहीं, तुम्हें कोट के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुल्ला ने कहा, ठीक है, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा। तब वे दोनों तीसरे मित्र के घर पहुंचे और दुआ सलाम के बाद मुल्ला ने उसे उसकी शादी की मुबारकबाद दी। अपने मित्र का परिचय करवाते हुए उसने कहा, ये जलालुद्दीन है, मेरा पक्का मित्र, जो कोट इसने पहना है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। तब मुल्ला ने उससे पूछा, अब तो मैंने बिल्कुल ठीक कहा है ना? जलालुद्दीन ने कोई जवाब नहीं दिया, वह उसे गुस्से से देख रहा था।